सुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना होगी और 11 दिनों तक, अनंत चतुर्दशी तक, भगवान गणेश हमारे घर में हमारे साथ विराजमान होंगे। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। वह हमारे सारे विघ्नों को दूर करते हैं। यदि आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, चाहे वह आर्थिक संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, या किसी कार्य को आप सफल करना चाहते हैं किंतु वह कितने ही प्रयासों के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है, ऐसे में आप गणेश चतुर्थी के दिन एक उपाय अवश्य करिएगा। रात्रि 12 बजे आपको इस उपाय को करना है। जब आप गणेश जी की स्थापना करेंगे उसी दिन रात को 12 बजे आपको इस उपाय को करना है। क्या करना है आपको? आपको एक दीपक लेना है। आप मिट्टी का दीपक ले लें और उसमें चार बातियां लगाएं। जी हाँ, चार बातियों का दीपक तैयार करें। घी का दीपक आपको तैयार करना है, ठीक है? घी का दीपक आप तैयार कर लें। उसके बाद आपको उसमें क्या करना है, दो लौंग डालनी है। जी हाँ, दो फूल वाली लौंग, यानी एक लौंग का जोड़ा डालना है। इससे क्या होता है कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। माँ लक्ष्मी का हमारे घर में स्थायी रूप से निवास होता है। बस यह एक उपाय आप यदि करते हैं और भगवान गणेश के समक्ष रात्रि 12 बजे इस दीपक को जलाते हैं तो यह आपका धन प्राप्ति, विघ्न दूर करेगा यह दीपक, आपका कष्टों से मुक्ति दिलाएगा आज के दिन यह दीपक आपको। तो इस उपाय को आप अवश्य ही करिएगा, करना मत भूलिएगा। एक उपाय से ही आपके विघ्न धीरे धीरे इन 11 दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके विघ्न दूर हो गए हैं। भगवान गणेश आपके सारे विघ्नों को हर लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, साथ में आपको ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है। बस यह उपाय आप कर लें, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव। धन्यवाद दर्शकों।